सो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो अगली जो प्री पोजिशन है वो है फोर और साइंस। फोर और साइंस के बारे में हम देखेंगे कि कब हम फोर का यूज करें और कब हम साइंस का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इन बेसिकली हम अंतर देखें, यूजली फोर और साइंस का जो हम प्रयोग है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। तो देखिए, फोर का प्रयोग हम इनडिफिनेट टाइम्स ऑफ पीरियड के लिए करते हैं, इनडिफिनेट टाइम ऑफ पीरियड के लिए, टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, जो फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इनडिफिनेट टाइम ऑफ पीरियड का मतलब होता है अनिश्चित समय अवधि के लिए, मतलब अनिश्चित समय अवधि के लिए, मतलब समय निश्चित नहीं होता है कि कब जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था। जबकि फोर का जो साइंस का जो यूज है हम वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसका यूज करते हैं, टाइम के लिए इसका यूज हम करते हैं। डेफिनेट मतलब निश्चित, निश्चित होता है कि जो कार्य है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखाता हूँ, उनके बाद क्या होता है, उनसे पहले हम क्या करते हैं, फोर या साइंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो अनिश्चित टाइम ऑफ, जैसे जैसे फॉर ए मोमेंट फॉर थर्टी मिनट्स, इन दोनों का से के अर्थ में होता है यहाँ पर, से यानी फॉर ए मोमेंट फॉर 30 मिनट्स फॉर 2 hours, जैसे फॉर सेवरल hours, फॉर मैनी hours, 2 घंटे से, 30 मिनट से, ऐसे ही साइंस मॉर्निंग, साइंस इवनिंग, साइंस मिडनाइट, ऐसे साइंस डे ब्रेक, साइंस साइंस ट्वीलाइट, साइंस डाउन, इन सब के पहले साइंस का यूज होता है। साइंस सालों के नाम के पहले भी साइंस का यूज करते हैं, जैसे साइंस 2009, साइंस 2019, ऐसे साइंस ईयर्स के नाम के पहले भी हम क्या करते हैं, साइंस का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे साइंस साइंस 7 AM, साइंस 8 PM, साइंस 7 o'clock, ऐसे भी हम साइंस का यूज करते हैं। तो देखिए, ये इनमें बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो दोनों में ये होता है कि फोर का प्रयोग हम निश्चित अवधि के लिए करते हैं, अनिश्चित अवधि के लिए करते हैं, इनडिफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं, जबकि साइंस का जो हम यूज है वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए करते हैं, निश्चित अवधि के अंदर क्या कार्य स्टार्ट होता है उसके लिए हम साइंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैंने कहा साइंस और जो फोर और साइंस है, इन दोनों का यूज है या तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं, इसका मेनली पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हम इसका करते हैं, यूज करते हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, फोर और साइंस का जनरली हम जो यूज करते हैं एज ए कंजक्शन के रूप में, वो हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं बेटर तरीके से।
तो देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मैं कहूँ सी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस सी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस सॉरी सी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस 2009 सी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस 2009 या मैं कहूँ she has been living here for 10 years. 10 years. अब देखिए सेम सेंटेंस है सी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस 2009 सी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। तो देखिए यहाँ से ओनली चेंज हो रहा है इसमें फॉर 10 ईयर्स साइंस 2009। तो मैंने आपको लिखाया था जितने भी ईयर्स हैं उसके नाम के पहले हम साइंस का यूज करेंगे और जितने भी इनडेफिनिट पीरियड्स ऑफ टाइम है उसके लिए हम फोर का यूज करेंगे, जैसे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 30 ईयर्स, फॉर 4 सेंचुरीज, फॉर 2 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर ए मंथ। सो इन सब के पहले हम फोर का यूज करेंगे। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इसके अंदर यूज हुआ है, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का क्या हुआ यूज हुआ है इसके अंदर इन दोनों के बीच। तो मेनली इन दोनों का साइंस और फोर का जो यूज होता है एज ए कंजक्शन के रूप में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में होता है। अब देखिए मैंने कहा था कि साइंस का जो जो यूज है वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए होता है। देखिए सी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस 2009 यानी वो 2009 से रह रही है, 2009 में उसने रहना शुरू किया था और वो अभी भी रह रही है। हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें उसमें क्या होता है, जो कार्य स्टार्ट हुआ था पहले वो वर्तमान में उसका इफेक्ट चालू है। तो मतलब इसने 2009 के अंदर रहना शुरू किया था और अभी तक भी वो रह रही है। सी हैज बीन लिविंग हेयर साइंस 2009 से वो यहाँ रह रही है यानी एक निश्चित अवधि से रह रही है वो। सो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम हो गया आ गया इसके अंदर। सी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स सी हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स वो यहाँ पर 10 साल से रह रही है। उसमें निश्चित नहीं है कि 10 साल के अंदर ही रह रही है क्या, उससे पहले या बाद में हो सकता है। तो इनडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम का इसमें यूज हुआ है इसलिए हम यहाँ पर क्या करें फोर का यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पर साइंस और कहाँ पर हम फोर का यूज करेंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रीपोजिशन है साइंस और फोर। इससे हमें दो चीज पता चलता है कि कहाँ तो हम साइंस और फोर के किन के कौन कौन से जो वर्ड्स हैं उनके पहले साइंस आएगा किन के पहले फोर आएगा। एक तो यहाँ से अगर आ जाता है, दूसरा देखिए यहाँ पर क्या करता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस दे देगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे देगा या पास्ट टेंस दे देगा। तो यहाँ पर देखिए हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा, ये दो ही टेंस इसके अंदर होंगे फॉर और साइंस का अगर यूज परिपोजन के रूप में। देखिए यहाँ पर साइंस और फोर का यूज परिपोजन के रूप में हुआ है। देखिए साइंस और फोर का जो यूज है वो कंजक्शन के रूप में भी होता है। तो देखिए कंजक्शन के रूप में इसका कैसे यूज होता है तो चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए तो देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि साइंस और जो फोर का यूज है वो कंजक्शन के रूप में भी होता है और प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो देखिए इन वर्ड्स के पहले अगर आएगा मतलब सेंटेंस इससे दो सेंटेंस जुड़े हुए नहीं तो ये कंजक्शन के रूप में हो रहे हैं। अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो ये प्रीपोजिशन के रूप में उसके कंजक्शन के रूप में यूज हो रहे हैं। अगर सेंटेंस जुड़े हुए नहीं है तो ये प्रीपोजिशन के रूप में, अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो ये कंजक्शन के रूप में यूज हो रहे हैं। अब देखिए जैसे माई ब्रदर हैव बीन माई ब्रदर हैव बीन नोट रिटन माई ब्रदर
माय ब्रदर हैव बीन नॉट रिटन टू मी साइंस ही साइंस ही वेंट टू मुंबई। अब देखिए माय ब्रदर हैव बीन नॉट रिटन टू मी, या फिर हम इसको बोलते हैं माय ब्रदर हैव नॉट रिटन टू मी, माय ब्रदर हैव नॉट रिटन टू मी साइंस ही वेंट टू मुंबई, मेरे भाई ने मुझे पत्र नहीं लिखा है जब से वह बंबई गया है, जब से वह बंबई गया था। ठीक है, मेरे ब्रदर ने मुझे लेटर नहीं लिखा है जब से वह बंबई गया था। तो देखिए यहाँ पर साइंस साइंस का जो यूज है कंजक्शन के रूप में वो जब से तब से के अर्थ में होता है। जैसे जब से मेरा भाई मुंबई गया था तब से उसने मुझे लेटर नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए साइंस का यूज अगर कंजक्शन के रूप में हुआ है, साइंस का यूज अगर कंजक्शन के रूप में हुआ है तो साइंस के जो साथ जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अब देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का हुआ, ये वी टू है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, यानी साइंस के साथ जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, और साइंस के जो पहले जो सेंटेंस होगा ये सेंटेंस होगा, साइंस के पहले जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। याद रखिएगा, काफी बार इसमें एरर के अंदर आ जाता है क्वेश्चन क्वेश्चन। देखिए इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, साइंस ही वेंट टू मुंबई, माई ब्रदर नॉट रिटर्न टू मी। मतलब साइंस को हम सेंटेंस इस वाले पोर्शन, इसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले सकते हैं, इसको लास्ट में ले सकते हैं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंडीशन में सेंटेंस क्या हुआ सही होगा।